ये रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप गेहूं का आटा, आधा कप सूजी, नमक स्वाद अनुसार, यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है, और इसके साथ रखेंगे 1/4 कप तेल। तेल आप कोई भी खाने वाला तेल यूज कर सकते हो। इसमें पानी रखे बिना सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे अब हल्का गर्म पानी से आटा गूंथ लें। यहाँ पर आपको हल्का सा सख्त आटा गूंदना है, जिस तरह से आप रोटी के लिए बनाते हो उससे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। आटा गूंद कर रेडी हो गया है, इसे अब ढककर 10 मिनट तक रेस्ट करने दें। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 उबला हुआ आलू लिया है। इसमें रखेंगे उबले हुए मटर, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज। मसाले में हम रखेंगे नमक, 1 छोटा चम्मच नमक रखा है मैंने, 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, इसे टेस्ट काफी अच्छा आता है, और 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, और यह धनिया पुदीने की चटनी जिसे मैंने पानी रखे बिना ही गाढ़ा पीस लिया है, इससे इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है। आटे को 10 मिनट हो गया है रेस्ट करते हुए, अब इसे 1 मिनट तक अच्छी तरह से गूंथ लें। हमने यहाँ पर आटे का 2 हिस्सा बनाया था, उसमें से 1 हिस्सा लेकर उसे फिर से 1 मिनट तक गूंथ लें। इसे आटा लगाए बिना हल्का सा मोटा बेलें। इसके एजेस को सील करने के लिए स्लरी बनाते हैं। स्लरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा चम्मच मैदा, उसमें रखेंगे 3 बड़े चम्मच पानी, और अच्छे तरह से मिक्स करते हुए इसका गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। अब एक छुरी लें और इसे स्क्वायर शेप में कट करें। चारों साइड से कट करने के बाद ये जो साइड के एजेस हैं, इसे हम आटे में मिक्स कर देंगे। हमारा स्क्वायर रेडी हो गया है, अब इसे हम बीच में से फिर से कट करेंगे और छोटे स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। अब मैदे का पेस्ट लेकर इसे इस तरह से साइड साइड में लगा लें। आपको चारों साइड में अच्छी तरह से लगा लेना है। अब बीच में इसके फिलिंग रखें और चारों साइड से एजेस को बंद कर लें इस तरह से, और प्रेस करते हुए आप सारे किनारों को बंद कर दें। अब फोक लेकर इसे इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस करते हुए साइड में डिजाइन बनाएं। मीडियम फ्लेम पर तेल को अच्छी तरह से गर्म करें और हमारे जो पैटीज हैं उसे मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लें।